आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने तैयारियां तेज कर दी हैं। इसके पीछे क्या यूपी के जो है वर्तमान अध्यक्ष को हटा कर उन्होंने नए अध्यक्ष को बनाकर अजय राय को जिम्मेदारी सौंपी है। इससे माना जा रहा है अजय राय एक मुखर नेता है कि इसे कांग्रेस को अपने को बेहतर महसूस कर रही है। दूसरा, अजय राय ने साबित कर दिया, पहले ही कह दिया है कि जो है राहुल गांधी को अमेठी से चुनाव लड़ाया जाएगा और वो अमेठी से स्मृति ईरानी को कड़ी टक्कर देंगे। तो इसके पीछे का सपा ने भी कह दिया है कि जैसे पुराने चुनाव में था कि सपा स्वयं जो है उनके खिलाफ कोई प्रत्याशी नहीं उतारती थी, तो इस बार भी विपक्ष उनके खिलाफ प्रत्याशी नहीं उतारेगा और राहुल गांधी की यात्रा भी आसान हो जाएगी। तो अब देखा है ये जा रहा है कि कांग्रेस में गुटबाजी को कम करके और ज्यादा से ज्यादा एकजुटता हासिल करके कांग्रेस चुनाव प्रचार करेगी और अभी से तैयारियां तेज करेगी, जिससे जो है कांग्रेस शायद नैया पार कर लगेगी। लेकिन अब चुनाव के परिणाम बताएंगे कि कांग्रेस क्या स्थिति रहती है और कांग्रेस कैसे जो है लोकसभा की नैया पार लगाती है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव अब उत्तर प्रदेश की 35 ऐसी लोकसभा सीटें हैं जहां पर तैयारियां तेज कर चुके हैं। ये 35 वो लोकसभा सीटें हैं जहां 2019 के लोकसभा चुनाव में या तो समाजवादी पार्टी ने जीत दर्ज की थी या तो दूसरे नंबर पे थी। ऐसे में ऐसी सीटों को लेकर तैयारियां तेज कर दी गई हैं और वहां पर पिछड़े दलितों की जो बात करने वाले नेता हैं उनकी तलाश की जा रही है कि आखिर उत्तर प्रदेश में ऐसे वो कौन से नेता हैं जो अपने अपने क्षेत्रों में मजबूत हैं। खासकर ऐसी 35 लोकसभा सीटों पर उन बड़े नेताओं की तलाश शुरू हो गई है जिनपे समाजवादी पार्टी लोकसभा चुनाव में दांव लगाएगी। फिलहाल गठबंधन की क्या रूपरेखा होगी और किसके खाते में कौन सी सीट जाएगी ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन अखिलेश यादव ऐसी 35 सीटें अपने पास रखना चाहते हैं जहां पर उनकी दावेदारी मजबूत है। 2022 विधानसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी ने वादा किया था कि उज्ज्वला योजना के अंतर्गत सभी उत्तर प्रदेश में लाभार्थियों को मुफ्त सिलेंडर दिया जाएगा दीपावली और होली पर। भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस बार योजना बना रही कि आने वाले दीपावली में उन उज्ज्वला योजना के अंतर्गत उनके लाभार्थी हैं उनको मुफ्त सिलेंडर दिया जाएगा। यहां तक कि 914.50 रुपए उज्ज्वला योजना के अंतर्गत जितने भी लाभार्थी हैं उनके अकाउंट में सरकार की तरफ से पैसा दिया जाएगा ताकि वो मुफ्त सिलेंडर खरीद सकें। फिलहाल अब देखने वाली बात यह होगी, हालांकि 6 साल पूरे हो चुके हैं इस सरकार में, 1 साल हो चुका है, अब इन लाभार्थियों को क्या दीपावली में मुफ्त सिलेंडर मिल पाएगा। हालांकि इस पर विपक्ष भी लगातार आरोप लगा रहा था कि जो भारतीय जनता पार्टी ने वादे किए थे 2022 के चुनाव से पहले अभी तक पूरे नहीं हो पाए हैं, लेकिन इस दीपावली में इस स्थिति बिल्कुल साफ होगी। क्या उन लाभार्थियों को जो भारतीय जनता पार्टी ने वादे किए थे क्या इसमें पूरे हो पाएंगे या नहीं। राजधानी लखनऊ में भू माफिया के खिलाफ लगातार कमिश्नर पुलिस अपना शिकंजा कस रही है। इंदिरा नगर में गैंगस्टर एक्ट के तहत 11 लोगों के ऊपर भू माफियाओं के ऊपर कार्रवाई हुई। इंदिरा नगर इंस्पेक्टर ने 11 लोगों के तहत गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई करी जिसमें से मुख्य आरोपी जो विशाल सिंह यादव समेत 11 लोगों के ऊपर FIR दर्ज हुई है, जिसमें से 3 आरोपी पुलिस की गिरफ्त में है, 8 आरोपी अभी भी फरार है, जिसमें से मुख्य लीडर जो है विशाल यादव अभी भी पुलिस की गिरफ्त से दूर है। जिस तरीके से पता चला है इंदिरा नगर थाना क्षेत्र में ये जो गैंगस्टर एक्ट के तहत अपराध को अंजाम देते थे अवैध कब्जों पर अपना अपराध का शिकंजा कसते थे, हालांकि अभी भी पुलिस की गिरफ्त से लगातार दूर नजर आ रहा है। देखने वाली बात ये होगी कि जो 8 आरोपी हैं कब ये पुलिस की गिरफ्त में आते हैं। जिला अस्पताल से एक वीडियो वायरल हुआ है, वीडियो में एक स्वीपर को OT की ड्रेस पहनकर मलहम पट्टी करते देखा गया। ये वीडियो काफी चर्चा का विषय बना। इस वीडियो को लेकर जब अस्पताल के CMS महन मौर्या से जनता टीवी ने बात की तो महन मौर्या ने इस वीडियो की पुष्टि करते हुए ये कहा कि वीडियो स्वीपर का ही है, स्वीपर पट्टी जरूर कर रहा था और वो ड्रेस भी पहने हुए था। लेकिन जब सवाल किया गया कि क्या स्वीपर को हक है या अधिकार है कि वो इस तरह से ड्रेस पहन के पट्टी कर सकता है, तो इस बाबत CMS ने बोला कि जब वो OT में ही रहने वाला स्वीपर है और वहीं पे काम करता है तो वो ड्रेस पहन के पूरी तरीके से काम कर सकता है और जिस तरह से वो लगातार रेगुलर काम करता चला आ रहा है। इस बाबत भी उनसे सवाल किया गया, क्या वो ड्रेसिंग कर रहा है, वो स्वीपर जिसको आज आप जो ड्रेसिंग कर रहा है क्या वो इंजेक्शन लगाने का भी अधिकार है। तो CMS ने ये कहने में ज़रा से गुरेज नहीं किया कि अगर वहाँ पर डॉक्टर मौजूद नहीं है तो वो इंजेक्शन भी इंजेक्ट कर सकता है क्योंकि लंबे समय से वो यहाँ पर काम कर रहा है तो उसको कहीं ना कहीं इस चीज़ का अनुभव है कैसे इंजेक्शन लगाया जा सकता है। तो ये देखा जा सकता है कि जिस तरह से अब स्वीपर हैं वो
वार्ड बॉय का काम कर रहे हैं और स्वीपर जो 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 अब स्वीपर का जो काम हो रहा था वो कहीं ना कहीं अब कॉन्ट्रैक्ट बेस पे चला गया है, वही काम कर रहे हैं। यानी सारे स्वीपर अब लगभग अस्पताल में इसी तरह की सर्विस देते हुए देखे जा रहे हैं। प्रयागराज में जहां सीएम की योगी के दो दो ट्वीट का भी असर नहीं हो रहा है, जहां सीएम योगी ने दो बार ट्वीट करा था और डग्गा मार और अवैध टैक्सी स्टैंड पर कार्रवाई की बात कही थी, मगर उसके बावजूद सिविल लाइन्स हनुमान मंदिर के पास से जहां डग्गा मार बसें संचालित हो रही हैं, तो बस स्टैंड के बाहर से सिविल लाइन्स अवैध टैक्सी संचालित हो रही, यही हाल रामबाग का है। ऐसे में प्रयागराज के सभी बस स्टैंड के बाहर से अवैध टैक्सी स्टैंड और डग्गा मार बसें संचालित हो रही, जिससे परिवहन विभाग को लाखों का चूना हो रहा है लग रहा है। मगर सबसे बड़ी बात यह भी है कि परिवहन विभाग, आरटीओ और पुलिस इन पर क्यों नकेल नहीं कस रहा है सीएम के आदेश के बावजूद, अपने आप में एक बड़ा सवाल। जिले में स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही आई सामने। आपको बता दें कि मरीज के स्वास्थ्य के साथ हो रहा है खिलवाड़, मरीजों को लगाया जा रहा है एक्सपायरी इंजेक्शन। वही आपको बता दें कि जुलाई 2023 में एक्सपायर इंजेक्शन को मरीजों को लगातार लगाया जा रहा है। वही बड़ी लापरवाही स्वास्थ्य विभाग की सामने आई है। वहीं इस मामले में जब सीएमओ प्रतापगढ़ से बात की गई तो उनका कहना है कि इस तरीके से उन्होंने सीएमओ से बात करके बताया कि ऐसी कोई भी मामला उनके संज्ञान में नहीं है और ऐसे सब मामले को संज्ञान में आएगा तो तत्काल प्रभाव से कार्रवाई की जाएगी। यह पूरा मामला प्रतापगढ़ जिला मेडिकल कॉलेज का है, जहाँ पर एक्सपायरी दवा को मरीजों को लगाया जा रहा है, जब भी कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है। मैनपुरी में फर्जी स्कूलों की भरमार और फर्जी स्कूलों में जल्लाद शिक्षक के रूप में तैनात हैं टीचर। हालांकि मैनपुरी जनपद में एक से लेकर कई मामले सामने आए हैं। अभी ताजा मामला कोड़ावली थाना क्षेत्र के जेडीएस पब्लिक स्कूल का है, जहां एक नर्सरी के छात्र अर्नब की डस्टर मार के आँख फोड़ने का मामला सामने आया है। हालांकि अर्नब के माँ बाप ने उसको पहले जिला स्तर पर इलाज कराया, उसके बाद में आगरा ले गए और अलीगढ़ ले गए, हालांकि वहाँ पर भी उसको इलाज नहीं मिल पाया सही, तो एम्स में जाकर उसको डॉक्टर ने उसकी आंख को डेड घोषित किया है। हालांकि आंख का ऑपरेशन करा दिया गया है। अभी फिलहाल अर्नब की स्थिति नाजुक बनी हुई है। पूरे मामले पर जब जिला प्रशासन से और जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी से बात करनी चाहिए तो जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ने कुछ भी बोलने से इनकार किया है। हालांकि स्कूल की मान्यता ही नहीं है और वो दावा कर रहे हैं कि मेरा स्कूल कक्षा नर्सरी से लेकर 5 तक चलता है। हालांकि अगर वास्तविक में देखा जाए तो नर्सरी से कक्षा 8 तक की शिक्षा का अध्ययन हो रहा है और जल्लाद शिक्षकों की भरमार जारी है। मैनपुरी में कोई एक मामला ही पहला नहीं है, इससे पहले भी शहर में हो या आउटर में हो कई मामले सामने आए हैं। अब देखने की बात होगी कि उस जल्लाद शिक्षक के खिलाफ कोई कार्रवाई होगी या सिर्फ हवा हवाई रहेगी। चंद रुपयों की लालच में देश की अर्थव्यवस्था को खराब करने वाले 4 युवकों को सोजना पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बताते चले, जब से नवागंत पुलिस अधीक्षक आए उन्हें ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए जितने भी अनसुलझे केस थे उनको ओपन किया है और जनता के सामने अपराधियों को लाया गया। इसी क्रम में थाना सोजना पुलिस ने ऐसे 4 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है जो नकली नोट का कारोबार करते थे। बताते चले, इनमें एक पत्थर व्यवसायी जो कर्ज जिसके ऊपर कर्ज हो गया था उसकी जनवरी माह में मुलाकात बासुभाई नाम के व्यक्ति से आगरा रेलवे स्टेशन पर हुई। उसने करोड़पति बनने का सपना दिखाया और वह उसमें फंसता चला गया। अंततः यह हुआ कि वह पुलिस की गिरफ्त में आ गए। यह भी उसने स्वीकार किया है, उसने ललितपुर जिले में करीब 4 लाख रुपए के नकली नोट चलाए हैं। यह पुलिस की बहुत बड़ी सफलता व उपलब्धि कहा जाएगा कि कुछ ही महीनों में पुलिस ने इस ग्रोह का पर्दाफाश कर दिया। लखीमपुर खीरी में नहीं थम रहा है दबंगों का कहर, दबंगों के हौसले बुलंदी पर हैं। आपको बता दें कि लखीमपुर खीरी के अर्जुन प्रवाह रोड पर स्थित एक मिश्रा मेडिकल एजेंसी पर कुछ दबंगों ने मेडिकल स्टोर एजेंसी मालिक के ऊपर जानलेवा हमला किया, जिसमें मेडिकल एजेंसी मालिक को गंभीर चोटें आई हैं। आपको बता दें कि लखीमपुर गिरी के जो मिश्रा मेडिकल स्टोर है, जिसके स्वामी बीरेंद्र मिश्रा ने एक साल पहले दबंगों को 10,000 रुपये उधार दिए थे, उन लोग दबंगों ने जब मिश्रा मेडिकल स्टोर वालों ने अपने पैसे मांगे तो उन लोगों ने अपने 4 साथियों के साथ मिलकर 6-7 लोगों ने करीब दबंगों ने मेडिकल स्टोर स्वामी के ऊपर हमला बोल दिया और मेडिकल स्टोर के एजेंसी के मालिक के बाहर खींचकर उनको लात घूसों डंडों से खूब पिटाई कर दी, जिसका एक वीडियो मिश्रा मेडिकल स्टोर पर लगे हुए CCTV कैमरे में कैद हो गया। मिश्रा मेडिकल स्टोर के मालिक वीरेंद्र मिश्रा ने
नाम तीन लोगों के खिलाफ नामजद तहरीर दी है और चार अज्ञात को के खिलाफ तहरीर दी है, जिसमें पुलिस ने मुकदमा पंजीकृत कर एक आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया है। अब देखने वाली बात यह होगी क्या लखीमपुर खीरी की पुलिस जो है, सदर कोतवाली की पुलिस, क्या उन दबंगों के ऊपर क्या कार्रवाई करती है। जिलाधिकारी के अध्यक्षता में संपूर्ण समाधान दिवस का किया गया आयोजन, तीन शिकायतों का त्वरित किया गया निस्तारण। आपको बताते चले जनपद कानपुर देहात के रसूलाबाद तहसील सभागार में उप जिलाधिकारी नीलमा यादव की अध्यक्षता में संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया गया, जिसमें तीन शिकायतों का त्वरित निस्तारण किया गया। वहीं पर राजस्व विभाग की शिकायतें सर्वाधिक देखने को मिली, जिसमें राजस्व विभाग की 39 शिकायतें, पुलिस विभाग से 9 शिकायतें सहित कुल 61 शिकायतें संपूर्ण समाधान दिवस में दर्ज हुई, जिसमें तीन शिकायतों का त्वरित निस्तारण किया गया। वहीं पर उप जिलाधिकारी नीलमा यादव के तीन वर्ष सख्त दिखाई दिए, जहां पर उन्होंने संबंधित अधिकारी व कर्मचारी सभी विभाग के अधिकारियों कर्मचारियों को फटकार लगाते हुए कहा तुरंत शिकायतों का निस्तारण किया जाए, फरियादी को समय पर उसकी शिकायत का निस्तारण किया जाए। अगर बार बार फरियादी परेशान होता है और बार बार शिकायतें आती है तो संबंधित विभाग के अधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जनपद हापुड़ के गढ़मुक्तेश्वर क्षेत्र में गंगा का जलस्तर बढ़ने से लोगों को हो रही परेशानियां, अधिकारी पूरी तरह से हैं मुस्तैद। आपको बता दें पूरा मामला जनपद हापुड़ के गढ़मुक्तेश्वर क्षेत्र के खादर क्षेत्र का है, जहां पर बिजनौर बैराज से छोड़े गए पानी के बाद यहां पर गंगा का जो जलस्तर है वो बढ़ गया है, जिससे लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ तक कि लोगों के जो पशुओं का चारा है उनको भी लाने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि देखिए प्रशासन लगातार कोशिश कर रहा है कि जो बाढ़ जो जहां पर पानी का स्तर बढ़ा हुआ है वहां से लोगों को खाली मकान खाली कराकर उनको सुनिश्चित जगह पर पहुंचाने की जो जिम्मेदारी प्रशासन ने ली हुई है। हालांकि देखिए बढ़ते हुए जल स्तर से लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना पड़ रहा है। हालांकि स्वास्थ्य विभाग भी लगातार कोशिश कर रहा है कि स्वास्थ्य विभाग की जो तरफ से जो दवाइयां हैं और जो भी कोई बीमारी है उसके लिए समय से दवाइयां स्वास्थ्य विभाग टाइम से पहुंचा रहा है। नागपंचमी के अवसर पर गोरखनाथ मंदिर में दो दिवसीय पारंपरिक कुश्ती प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। आपको बता दें 20 और 21 अगस्त को यह कुश्ती प्रतियोगिता होगा, जिसमें प्रदेश स्तर के तमाम पहलवानों को आमंत्रित किया गया है। आपको बता दें इसका उद्घाटन 20 तारीख को गोरखपुर के मेयर मंगलेश श्रीवास्तव करेंगे, जबकि समापन खुद स्वयं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे और इस समापन समारोह में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी होगी। वहीं तमाम जो प्रतियोगी होंगे उनको मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का उत्साहवर्धन करेंगे और साथ ही उनको उनका आशीर्वाद भी मिलेगा। आपको बता दें कि इस प्रतियोगिता में जो केसरी यानी कि उत्तर प्रदेश केसरी खिताब जीतेगा उसको 1,01,000 रुपए व गदा का इनाम दिया जाएगा, पुरस्कार दिया जाएगा। साथ ही उप विजेता को 51,000 रुपए दिया जाएगा, साथ ही वीर अभिमन्यु विजेता को 25,000 रुपए दिया जाएगा। आपको बताते चलें कि इस कार्यक्रम को लेकर पूरी तैयारी कर ली गई है और स्वयं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। वर्षों की जो ये परंपरा रही है गोरखनाथ मंदिर में कुश्ती प्रतियोगिता की, इस प्रतियोगिता का निर्वहन करने स्वयं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी होगी। वहीं जो पहलवान हैं, जो प्रदेश स्तर से आने वाले पहलवान हैं, वो काफ़ी उत्साहित भी नजर आ रहे हैं। के एसएसटी के पर्यवेक्षण में आज एक बड़ी कार्रवाई होती हुई नजर आ रही है। वहीं थाना एग्जिट क्षेत्र एवं थाना फ्रेंड्स कॉलोनी क्षेत्र के अंतर्गत मुठभेड़ के दौरान दो अंतर्राष्ट्रीय लुटेरों को गिरफ्तार किया गया, क्योंकि जनपद में आए दिन घटनाएं हो रही थी। क्योंकि लगातार जिस तरीके से देखा जाए तो जनपद में बाइक लुटेरों की आए दिन घटनाओं को लगातार चोर अंजाम देते हुए नजर आ रहे थे। वहीं आज एक बड़ी कार्रवाई करते हुए दो सातिर अंतर्राज्यीय जो लुटेरे थे उनको गिरफ्तार कर लिया गया है, क्योंकि जो लगातार यहाँ की जो घटनाएं हैं पूरी तरीके से कई बार शिकायतें मिल रही थी, लेकिन एक बार फिर बड़ी कार्रवाई करते हुए दो अंतर्राज्यीय पुलिस ने लुटेरों को गिरफ्तार किया है। आगरा में दहेज लोभियों की अठधर्मिता का मामला सामने आया। दरअसल मामला थाना नाइकी मंडी क्षेत्र का है, जहां दहेज लोभियों ने एक महिला को कई दिन से घर में ताला लगाकर बंधक बना रखा था, जिसकी सूचना महिला के परिजनों ने पुलिस को दी तो पुलिस ने मौके पर पहुंचकर महिला को बंधक से मुक्त कराया और ताला खुलवाकर पुलिस ने रेस्क्यू कर महिला को सकुशल बाहर निकाला है। वहीं
दहेज लोभियों के ऊपर महिला ने बताया कि ये दहेज का कई दिन से मांग की जा रही थी। दहेज की मांग पूरी ना होने पर महिला को पिछले कई दिनों से बंधक बनाकर रखा गया था, जिसकी सूचना किसी तरह महिला के परिजनों को मिली। महिला के परिजनों ने इसकी सूचना स्थानीय पुलिस के दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर महिला का रेस्क्यू कर उसे सकुशल बाहर निकाला है। उसके बाद पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है। वहीं महिला के परिजनों का कहना है कि बेटी की शादी बड़ी धूमधाम से की थी, दान दहेज भी दिया था, लेकिन दहेज लोभियों ने दहेज की अतिरिक्त डिमांड रखी और डिमांड पूरी ना होने पर उनकी बेटी को कई दिन से बंधक बनाकर रखा गया था, जिसकी सूचना मिलने पर वह पुलिस के पास गए। पुलिस ने तुरंत मौके पर पहुंचकर महिला को वहां से मुक्त कराया है और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। ऊर्जा मंत्री की लाख कोशिशों के बाद भी हमीरपुर का बिजली विभाग अपने रवैये से बाज नहीं आ रहा है। एक तरफ जहां सरकार अपने दावे भरती नजर आ रही है कि हम ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में बराबर बिजली पूर्ति कर रहे हैं, वहीं आज हमीरपुर में बीती रात सब स्टेशन में पहुंचकर लोगों ने हंगामा किया, नारेबाजी की और उसके बाद उन्होंने बिजली कटौती की पूरी बात बताई। उन्होंने बताया कि हमारे यहां दो महीने से बराबर लाइट नहीं आ रही है, अघोषित कटौती की जा रही है, जिससे उनके घर में कीड़े मकौड़े का और पानी पीने का बहुत बड़ा संकट खड़ा हो गया है। उस संकट को दूर करने के लिए उन्होंने आज सब स्टेशन पे आके अपना हंगामा किया, नारेबाजी की और अपनी लाइट निरंतर चालू करने की मांग की। वहीं दूसरी ओर प्रशासन से बात की जाती है, कर्मियों से बात की जाती है, उनका यह कहना है कि हमारे द्वारा बराबर लाइट दी जा रही है और पूरी पूर्ति की जा रही है, लेकिन जो ग्रामीणों ने जो आईना दिखाया है, ये आईना बहुत बड़े इशारी को ले जा रहा है और जो विद्युत विभाग की जो नाकामी नजर आ रही है, ये आगे चल के बहुत बड़ा घटना को अंजाम देगी, क्योंकि ये जो बस्तियां हैं ये बेतवा नदी किनारे बसी हुई हैं और इन बस्तियों में हमेशा बाढ़ का संकट मंडराता रहता है। एक तरफ बाढ़ का संकट और दूसरी तरफ बिजली का संकट, और बिजली संकट होने की वजह से ये जल की समस्याओं से भी जूझ रहे हैं। इनको निजात दिलाने वाला कौन है?